ग्राम सभा की शांति एवं सद्भाव कमेटी ने अपनी शुरुआती जांच में फेसबुक को दिल्ली दंगों का दोषी माना है। विधानसभा की कमेटी में फेसबुक के मसले पर आज सुनवाई हुई। कमेटी ने कहा कि मामले में फेसबुक को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। दिल्ली दंगा मामलों में फेसबुक की भी भूमिका थी। दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव कमेटी ने अपनी प्राथमिक जांच के बाद फेसबुक के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। विधानसभा की कमेटी के चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली दंगा मामले में फेसबुक को अभियुक्त मानकर उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाया जाना चाहिए। प्राइमा फेसाई, ऐसा लगता है कि फेसबुक का दिल्ली दंगों में हाथ था और फेसबुक को दिल्ली दंगों की जांच में एक को अक्यूज्ड की तरह मानना चाहिए, जांच होनी चाहिए और फेसबुक को अक्यूज्ड मानते हुए जांच के बाद जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, जो दिल्ली दंगों का मसला अभी कोर्ट में चल रहा है, यदि एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करने के बाद ये पाती है कि जो चार्जेस उनके खिलाफ लगे हैं उनमें जान है, उनमें वजन है, तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फेसबुक के खिलाफ कोर्ट में दिल्ली दंगों के मामले में दर्ज होनी चाहिए। शांति एवं सद्भाव कमेटी के चेयरमैन ने कहा कुछ ऐसे सबूत भी आए हैं जिससे पता चलता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दंगा कराने की साजिश थी, पर ऐसा नहीं हो सका। शांति एवं सद्भाव कमेटी ने आरोप लगाया कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त मीडिया के माध्यम से फेसबुक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रही है। कमेटी अगली बैठक में फेसबुक के अधिकारियों को समन करेगी। फेसबुक के कुछ टाइप्स ऐसे वेब चैनल से हैं जो एक प्रकार के नॉन अक्रेडिटेड फ्लाई बाय नाइट न्यूज चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, जिनका केवल एक ही लक्ष्य है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला, सांप्रदायिकता पैदा करने वाला, ध्रुवीकरण करने वाला, फॉल्ट लाइंस को डीपन करने वाले कंटेंट को प्रोड्यूस करा जाए। फेसबुक उनके साथ सांठगांठ में उस मटेरियल को प्रचारित करता है। इस कमेटी की कार्रवाई अधूरी रहेगी जब तक फेसबुक के अधिकारी इस कमेटी के सामने आकर अपना पक्ष नहीं देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ इतना सबूत, इतना मटेरियल इकट्ठा हुआ है, तो उसे दोषी करार देने से पहले उसकी गवाही होनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसका पक्ष जानना चाहिए। ये एक सिद्धांत है हमारे देश के न्यायपालिका का। इस बीच दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भावना कमेटी फेसबुक के अधिकारियों को चिट्ठी भेजने पर विचार कर रही है। इसमें पूरी जांच होने तक फेसबुक के आरोपी पदाधिकारियों को पद से हटाने की मांग की जाएगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से विश्वजीत झा की रिपोर्ट।